नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज में, हूँ आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबर की ओर। घमापुर थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि गत रात्रि शीतलामाई निवासी गोपाल केशरवानी अपने पड़ोसी के 8 माह के बालक को बाइक में घुमाने के लिए लेकर सड़क पर निकले थे, जिन्हें पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही गोपाल केशरवानी एवं बालक दोनों को ही चोट आई है। मौका देखकर कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया। घमापुर थाना पुलिस ने जब कार को कब्जे से लेकर उसके चेसिस एवं नंबर की जांच की तो कार में लिखा हुआ नंबर फर्जी पाया गया। वहीं दूसरी ओर कार के अंदर एक और नंबर प्लेट भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस का मानना है कि कार प्लेट नंबर बदलकर अवैध व्यापार में संलिप्त हो सकती है। पुलिस मामले की जांच कर फरार आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मैं गोपाल केशरवानी शीतलामाई मंदिर के सामने रहता हूँ, इवेंट एंड प्रमोशन का काम करता हूँ। मैं कल 11:10 पे अपने घर के पास खड़ा था। मैं अपनी बाइक में पड़ोसी के पास गया और उनके बच्चे को रोज़ाना की तरह कल भी मैं घुमाने के लिए निकला, तो मैं उसको घुमाने के लिए कांच घर तरफ लेके गया था। वहीं पर कांच घर पे चौपाटी के सामने मुझे पीछे से स्विफ्ट कार ने टक्कर मारी, जिसमें मैं और 8 महीने का ये बच्चा घायल हुआ। कार में बता रहे हैं कि नकली नंबर प्लेट लगी थी। हाँ, उसके अंदर एक नंबर प्लेट अलग से रखी थी, वहाँ से मुझे जानकारी मिली, और गाड़ी में भी नंबर प्लेट अलग लगी थी। आपने इसकी FIR दर्ज करा दी? हाँ, मैंने FIR दर्ज करा दी है घमापुर थाने पे। कल रात्रि में 11:30 बजे लगभग एक गोपाल केशरवानी जी हैं जो पल्सर गाड़ी से अपने एक छोटे पड़ोसी के बच्चे को नौमाए के घुमाने के लिए आए हुए थे, तो यहाँ पर चौक के पास में, काजघर चौक के पास में उनसे एक स्विफ्ट गाड़ी, ये खड़े हुए थे, स्विफ्ट गाड़ी आके टकरा गई, जिससे कि स्विफ्ट गाड़ी चालक गाड़ी छोड़ के भाग गया। इनको चोटें आई, बच्चे को भी चोट आई। जो थाने आए, बच्चे को इलाज हेतु उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में कराया और उसके उपरांत इसमें अपराध पंजीबद्ध होके गाड़ी जो थी उस समय जो उन्होंने नंबर देखा था वो MP20CE3436 था। बाद में हम लोगों उसमें अन्य चीज़ें ट्रैक करने के लिए गाड़ी की जांच करी तो उसमें कुछ और नंबर प्लेट और अन्य चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जो कि जांच चल रही है। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।